इस क्यूलेट टीवी के बाजार में तोशिबा ने भी अपना 2022 का नया क्यूलेट टीवी लॉन्च किया और उनका मानना है कि उनका क्यूलेट जरा हटके है। तो मैंने सोचा चलिए इसे खरीदते हैं और इसे टेस्ट करके मैं आपको बताता हूं कि ये टीवी आपके लेने के लायक है या नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और एज ऑलवेज मैं आपको ऐसा रिव्यू इस तोशिबा क्यूलेट टीवी का दिखाऊंगा जो आप पूरे YouTube पे ढूंढते रह जाएंगे और नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह आपको इस बार भी मैं वादा करता हूं ट्रू व्यू वीडियो का, क्योंकि इस चैनल पे हम सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद आपको रिव्यू दिखाते हैं। चलिए आपको सबसे पहले तोशिबा के इस क्यूलेट टीवी की लुक्स के बारे में कुछ बताता हूं। तोशिबा का ये टीवी बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ टीवी है। आपको इसके स्टैंड्स मेटल के मिलेंगे, बैक साइड पे इसकी बॉडी सारी मेटल की बनी है और इन्हीं चीजों की वजह से इस टीवी की बेजल्स को बहुत थिन रखा गया है, यानी बहुत स्लिम बेजल्स आपको इसमें देखने को मिलती है और इसके पैनल पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करी गई है जिससे आपको रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी इस पैनल से। जो लाइट्स आप नीचे जलती हुई देख रहे हैं ये है फार फील्ड माइक्रोफोन्स, जिससे आप गूगल असिस्टेंट को बिना किसी रिमोट कंट्रोल के ही कमांड दे पाएंगे और अपने टीवी में जो चाहें वो ही देख पाएंगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक EARC पोर्ट है और इसी पोर्ट की वजह से आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा और VRR भी देखने को मिलेगी 48Hz से 60Hz तक। अब 48Hz से लेकर 60Hz की VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पुराना गेमिंग कॉन्सोल है जैसे PS4 यानी PlayStation 4 तो ये चीज आपके काम आ सकती है और आपको इनपुट लैग बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। मैंने इसे पर्सनली खुद टेस्ट नहीं किया लेकिन तोशिबा का मानना है कि 8 मिलीसेकंड्स का इनपुट लैग आपको इस टीवी में देखने को मिलेगा, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इसके अंदर आपको 10-bit पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 8-bit FRC पैनल है जिसके अंदर आपको 10-bit कलर डेप्थ जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये 10-bit पैनल नहीं है। बहरहाल आपको मैं ये बता दूं कि ये IPS QLED पैनल है और ये बहुत ही ज्यादा शानदार पैनल है। कंपनी इसके अंदर 400 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस डिक्लेयर करती है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में जो हमने 10% विंडो से 100% विंडो साइज के अंदर करी, उसके अंदर इसकी चौंका देने वाली ब्राइटनेस लेवल हमें देखने को मिले। जानते हैं कितने? आप खुद ही देख लीजिए। इस टीवी से हमें बहुत ही ज्यादा शानदार 570 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस देखने को मिली, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। अब इतनी शानदार ब्राइटनेस को सिर्फ मैं एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तोशिबा ने इतनी शानदार ब्राइटनेस दी है कि आपको जो कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो डिटेलिंग देखने को मिलती है, जो आपको ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, दैट इज कंप्लीटली अनमैच्ड। और वो क्यों होता है ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको ये दिखाता हूं कि इस टीवी को ऑन करते ही आपको एंड्रॉइड 11 OS यानी गूगल टीवी की होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको गूगल क्रोमकास्ट और मीराकास्ट की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी और अगर आपके पास कोई एप्पल डिवाइस है तो आपको एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट इसी टीवी के अंदर देखने को मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Android 11 थोड़ा सा हैवी OS है जिसकी वजह से 16GB स्टोरेज होने के बावजूद आपको 7.3GB अवेलेबल स्टोरेज इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन द गुड पार्ट इज कि आपको इसके अंदर 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, उनमें से एक में अगर आप कोई अच्छी सी पेन ड्राइव लगा दें तो वो एज अ स्टोरेज आपके लिए इस टीवी में काम करेगी, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बता ही रहा हूं तो आपको ये भी बता दूं कि इस क्यूलेट टीवी के अंदर डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातें तो सारी हो गई, अब आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे। दिस पैनल पैनल इज वेरी वेरी गुड। आपको फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल देखने को मिलता है। इट इज एन IPS QLED पैनल। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि QLED का मतलब होता है क्वांटम डॉट फिल्टर, जो पैनल के पीछे लगा होता है और कलर्स को प्यूरिफाई करके आपको दिखाता है, लेकिन मेन काम उस क्यूलेट फिल्टर का नहीं, एक कलर इंजन का होता है, यानी एक ब्रांड कलर्स को ऑप्टिमाइज करके एक चिप लगाता है हर टीवी के अंदर और उस ऑप्टिमाइज्ड कलर्स की वजह से आपको क्यूलेट फिल्टर कलर्स दिखाता है पैनल पे।
अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आया तो समझने की जरूरत नहीं है, दिस पैनल इज वेरी गुड, और आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूं। क्योंकि ये फुल एरे पैनल है इसलिए मुझे एक्सेप्शनल रिजल्ट्स की उम्मीद थी डिमिंग टेस्ट में, और वो मुझे मिले भी। ये पैनल बहुत ही शानदार तरीके से डिमिंग टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और आप भी वही अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि लाइट जहां नहीं होनी चाहिए वहीं पे ये पैनल एब्सोल्यूट ब्लैक्स देने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस टीवी के अंदर 32 डिमिंग जोन्स हैं। आपके पास एक अच्छा लोकल डिमिंग का पैनल है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार है, उसकी पीक एचडीआर ब्राइटनेस 517 निट्स है, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट कलर्स एंड ब्लैक्स? ये है मेन चीज जिसकी वजह से एक टीवी अच्छा या बुरा कहलाता है, और इस टीवी के अंदर एक अलग कलर इंजन यूज करा गया है। लेट मी जस्ट क्लियरली टेल यू दैट हाइसेंस इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस तोशीबा क्यूलेट टीवी। हाइसेंस ने तोशीबा टीवी के राइट्स लिए हुए हैं और वो इसको मैन्युफैक्चर करता है, बट इसके अंदर जो कलर इंजन है वो हाइसेंस का नहीं लगाया जा सकता। दैट इज हाउ तोशीबा टीवी हैज लाइसेंस्ड हाइसेंस। इसके अंदर लगा है रेग्जा कलर इंजन, ये तोशीबा जापान में बनता है और हाइसेंस को सप्लाई होता है, एंड देन इट इज यूज्ड इन दिस टीवी। ये रेग्जा इंजन में जो कलर ऑप्टिमाइजेशन करी गई है दैट इज डन बाय तोशीबा, नॉट बाय हाइसेंस, एंड दैट इज द रीजन कि इसके कलर्स मुझे बिल्कुल अलग लगे हाइसेंस के किसी भी और टीवी, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी और क्यूलेट टीवी से, क्योंकि मैंने हाइसेंस, व्यू, इन सब के मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हाइसेंस हैं, उन सब के कलर्स देखे हैं, और इसके जो कलर्स हैं दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप भी देखिए, आप भी यही कहेंगे कि दे आर सिंपली मैजिकल। कुछ कुछ सीन्स में आपको यह भी लगेगा कि ये ओवर ऑप्टिमाइज्ड कलर्स हैं, लेकिन जब आप इस टीवी को रियलिटी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके कलर्स को सोनी के कलर्स के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इस टीवी के अंदर आने वाले रेग्जा इंजन में डाला गया है दैट दे आर लुकिंग वेरी वेरी पंची, वेरी ब्राइट, एंड समटाइम्स यू फील दैट दे आर स्लाइटली ओवर ऑप्टिमाइज्ड कलर्स, बट दे आर नॉट, दे आर वेरी नेचुरल एंड वेरी यू नो लाइफ लाइक कलर्स। सो आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत ज्यादा अपीलिंग लगेंगे, बहुत ब्राइट लगेंगे, बिकॉज द ब्राइटनेस इज वेरी वेरी गुड। आपको सारी डिटेल्स इसमें दिखेंगी, एंड दैट इज व्हाट यू नीड इन एनी कॉन्टेंट। आप अगर डॉल्बी विजन कॉन्टेंट देख रहे हैं तो आपको उसके अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स दिखनी चाहिए वो दिखेंगी, कहीं से भी ज्यादा ओवर ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, जिसको मैं अक्सर टीवी के अंदर ढूंढता हूं। ज्यादा ब्राइटनेस वाले टीवी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम कई बारी ब्रांड्स में मुझे देखने को मिलती है, जिन सीन्स में बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है और वहां डिटेल्स थोड़ी कम आनी चाहिए, ज्यादा ब्राइटनेस वाले टीवीज वहां पे थोड़ी ज्यादा डिटेल दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल उस पिक्चर का मजा थोड़ा सा कम हो जाता है, बट उसे बहुत सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाना इज द आर्ट, एंड आई थिंक दिस टीवी हैज डन इट। कमिंग टू द वीडियो फीचर्स, इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी। सो एसेंशियली इफ यू आर वॉचिंग Amazon प्राइम, Netflix, Hotstar या कोई भी और OTT प्लेटफॉर्म, आपको सारे ही फॉर्मेट्स का पूरा मजा इस टीवी के अंदर मिलने वाला है। मैंने भी कुछ फॉर्मेट्स को टेस्ट किया, जरा आप भी देखिए Netflix की परफॉर्मेंस इस टीवी पे, और आपको डॉल्बी विजन का जो ये कंटेंट सामने अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ये डॉल्बी एटमॉस भी है। जी हाँ, इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, और उसका लोगो आप Netflix की स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही चीज HDR10 प्लस के कॉन्टेंट के अंदर हमने Amazon प्राइम पे चेक करी। आप इन कार्स के कलर्स को देखिए, सैंड के कलर को देखिए, और आप खुद जज करिए कि कितनी शानदार आपको कलर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली नेचुरल एंड बिल्कुल लाइफ लाइक रियल कलर्स आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीवी।
एक आईपीएस क्यूलेट पैनल का एक और फायदा होता है कि आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिलते हैं, और आप किसी भी कोने से रूम में इस टीवी को देखें आपको ब्राइटनेस और कलर का लॉस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और वही इस टीवी के अंदर हमें भी एक्सपीरियंस हुआ कि हम किसी भी कोने से इस टीवी का सेम वीडियो अगर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो आपको सेम कलर्स ऑलमोस्ट सेम ब्राइटनेस देखने को मिलती है, विच इज एन एक्सेप्शनली गुड थिंग इन एनी टीवी। अब बात करते हैं अपस्केलिंग की, और एसडी और एचडी चैनल्स भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आधे से ज्यादा इंडिया की, तो सबसे पहले उसे टेस्ट करते हैं। हमने इस टीवी के ऊपर एसडी चैनल्स को भी टेस्ट किया और उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत सैटिस्फैक्टरी देखने को लगी, जैसी किसी भी 4K टीवी के अंदर देखने को मिलेगी। एंड यू हैव टू ऑल्सो रियलाइज कि ये 55-inch टीवी है, उसके अंदर आपको एसडी चैनल्स इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप में से कई लोग यूएसबी से भी वीडियोस को प्ले करके देखना चाहेंगे, और यूएसबी की परफॉर्मेंस इस टीवी के अंदर बहुत शानदार है, और उसके अंदर भी ये टीवी बहुत बेहतरीन तरीके से अपस्केल कर रहा है कंटेंट को। आप भी देखिए कि ये 720p यानी एचडी कंटेंट को किस अच्छे तरीके से अपस्केल कर रहा है। टेन यानी फुल एचडी कंटेंट को किस तरीके से इस टीवी ने अपस्केल किया, और ये टीवी 4K वीडियो को भी बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्वियसली प्ले कर रहा है। इस टीवी के अंदर आपको MEMC भी देखने को मिलता है, और इसलिए ये जरूरी बनता है कि हम उसकी भी टेस्टिंग करें, और मैंने इसकी भी टेस्टिंग करी। आप इस सीन को देखें, इस मूवी सीन को चलाते हुए हमने MEMC को स्मूथ यानी टॉप मोस्ट पे रखा है, और आप किसी टाइप का मोशन ब्लर इस टीवी के अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। लेकिन हमारी आंखें ना थोड़ी अलग टाइप की होती हैं, हम थोड़ी अलग टाइप की टेस्टिंग भी करते हैं। अब इस टेस्ट को देखिए, इस विंडमिल टेस्ट के अंदर आप ये देख पाएंगे कि विंडमिल के घूमते हुए ब्लेड्स थोड़े से मोशन ब्लर को दिखा पा रहे हैं आपको, और वो इसलिए है क्योंकि ये 60Hz पैनल है। अगर ये और थोड़ा बढ़िया यानी 120Hz का पैनल होता तो शायद ये मोशन ब्लर आपको देखने को नहीं मिलता, बट दैट इज देयर। इस बात का आपको ख्याल रखना है और उसके बाद इस टीवी को लेने या ना लेने का डिसीजन लेना है। जी हाँ, लास्ट में हमेशा मैं आपको ऑडियो के बारे में बताता हूँ, तो पहले आपको एक्सप्लेन करूँ या ऑडियो सुनाऊँ? चलिए आप फिर से ऑडियो सुनिए, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। कैसी लगी ऑडियो? जबरदस्त, मुझे भी वैसी ही लगी। और मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि आज तक मैंने जितने भी टीवी टेस्ट करे हैं अप टू 1 lakh rupee, उनमें से सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी मुझे इस टीवी के अंदर देखने को मिली। एंड यू डू नॉट नीड टू बाय एनी एक्सटर्नल साउंड बार विद दिस सिस्टम। इस टीवी के अंदर आपको 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है, और 0.1 जो मैंने बोला वो सबवूफर है जो आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिलता है। 49 वॉट की टोटल ऑडियो है इस टीवी के अंदर, लेकिन आप जब उसकी क्लैरिटी सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एंड द बेस इज वेरी वेरी गुड, इट इज डिसेंट, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ मैजिक लाइक अ सबवूफर। एक अलग सबवूफर जो होता है उसकी तरह बेस नहीं आएगी, लेकिन एक टीवी के हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑडियो क्वालिटी, और मेरे हिसाब से आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार की इस टीवी के साथ जरूरत नहीं है। इस टीवी के साथ आपको ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन वाला फुल साइज रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले, प्राइम वीडियो और मीडिया की हॉट कीज देखने को मिलेंगी, और गूगल असिस्टेंट का बटन भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इस टीवी के अंदर फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और उन्हें आप टीवी के आगे एक बटन लगा है उससे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर प्राइवेसी। अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या आपको तोशीबा क्यूलेट M550 लेना चाहिए या नहीं? आज की डेट में इस टीवी का प्राइस है 53,000 rupees फॉर 55-inch साइज। ये प्राइस बहुत जबरदस्त है, और इसके साथ आपको 2 years की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी भी देखने को मिलेगी तोशीबा की तरफ से, दैट इज ऑल्सो गुड।
बट लेट अस टॉक अबाउट सम प्रोज एंड कॉन्स। और आपको सबसे पहले मैं कॉन्स बताऊंगा, और इस टीवी का सबसे बड़ा कॉन मेरे हिसाब से है, इसके अंदर आपको मोशन ब्लर बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल्ड देखने को नहीं मिलता। ये 60 हर्ट्ज पैनल है और ये 60 हर्ट्ज की तरह ही बिहेव करता है ऑब्वियसली, लेकिन आई वुड हैव लव्ड कि इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छा और बेहतर पैनल मिलता और आपको मोशन ब्लर के अंदर और थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिलता। Having said that, आपको इस रेंज के किसी भी टीवी के अंदर या तो ऐसी या इससे हल्की ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मोशन ब्लर के मामले में। तो I think expecting too much from this panel because इसके कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, शायद इसलिए। दूसरा कॉन एक बहुत सब्जेक्टिव कॉन है जो आपके लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा बताना आपको फर्ज है। इस टीवी के अंदर आपको कई सीन्स में ऐसा लगेगा जैसे थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं। ब्राइटनेस इतनी ज्यादा अच्छी है इस टीवी की कि बड़े बड़े फ्लैगशिप्स को भी बीट कर दे, और कलर्स को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज तो करा गया है, लेकिन कुछ सीन्स में शायद आपको ओवर सैचुरेटेड रेड और ग्रीन्स देखने को मिले। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है और आप इन्हें मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाके, सेटिंग्स में जाके यू कैन कंट्रोल दैट सेटिंग्स, बट यू शुड नो दैट। अब आते हैं प्रोज पे, और इस टीवी के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपको ब्राइटनेस 570 निट्स की देखने को मिलती है, विच इज एक्सेप्शनली गुड। कंपनी क्लेम करती है 400 निट्स की ब्राइटनेस और मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता, और मेरे हिसाब से ये टीवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अच्छी ब्राइटनेस के साथ आता है। इसके अंदर आपको जो कलर्स देखने को मिलते हैं दे आर अनमैच्ड, और मेरे हिसाब से ये सोनी को बहुत अच्छे से टक्कर देने वाले कलर्स हैं। मेरे पास सोनी के बहुत सारे टीवीज हैं और मैं उनको खुद खरीद के रिव्यू भी करता हूं, और मैं इस टीवी को उनके साथ कंपेयर भी कर चुका हूं, तभी आपको ये कह रहा हूं दैट द कलर्स आर वेरी मच कंपेरेबल टू एनी गुड सोनी मॉडल। एक कॉन मैं भूल गया, वो भी आपको बता दूं, बिकॉज इट इज एन IPS QLED पैनल यू वॉन्ट गेट द डीपेस्ट ब्लैक्स इन दिस टीवी। आपको बहुत ज्यादा डीप ब्लैक्स जैसे आपको किसी VA QLED पैनल के अंदर देखने को मिलेंगे वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलते, एंड दैट इज अ फेयर फैक्ट। किसी भी IPS पैनल से आप डीपेस्ट ब्लैक की उम्मीद नहीं कर सकते, यू शुड नो दैट आई थिंक। और इस टीवी को आप किसी भी रूम में लगा सकते हैं विद डार्कनेस, और जिस रूम में बहुत ज़्यादा लाइट हो। इस टीवी के अंदर रिफ्लेक्शन काफ़ी कम है, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रो ऑफ दिस टीवी। ऑडियो क्वालिटी इस टीवी की बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको किसी भी मीडियम टू अ लार्ज साइज रूम में एक एक्स्ट्रा साउंड बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल यू वॉन्ट अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इन योर रूम, आपको तब एक साउंड बार लगानी चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से दिस टीवी इज गुड इनफ फॉर द ऑडियो क्वालिटी दैट इट ऑफर्स। शायद एक कॉन में और भूल गया, और वो है VRR इस टीवी का, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी अ जोक। 48 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज का जो VRR है दैट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट स्टिल इट इज देयर एंड इट इज गुड थिंग। अगर आपके पास पुराना प्लेस्टेशन है और आप उस टाइप की गेमिंग करते हैं, आपके यूज में आता है। द गुड पार्ट हाउएवर इज ऑटो लो लेटेंसी मोड जो इस टीवी के अंदर आपको देखने को मिलता है, एंड फॉर गेमर्स इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसका इनपुट लैग कंपनी के हिसाब से इज अबाउट 8 मिलीसेकंड्स। आई कुड नॉट टेस्ट इट बिकॉज आई डोंट हैव यू नो गेमिंग कंसोल विद मी। अब सवाल यह बनता है कि तोशिबा क्यूलेट लिया जाए या इस रेंज में आने वाला कोई और क्यूलेट टीवी। देन लेट मी आंसर दिस वंस एंड फॉर ऑल कि इस रेंज में आने वाले दूसरे क्यूलेट टीवीज को भी मैंने ऑलरेडी खरीदा है, और वो मैंने अपने ऑफिस में उन्हें कंपेयर किया है तोशिबा के क्यूलेट टीवी के साथ, एंड दिस टीवी इज बाय फार द बेस्ट अमंगस्ट द लॉट। आप कोई भी गलती नहीं करेंगे इस टीवी को खरीद के, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम टीवीज दैट यू कैन बाय इन अ वेरी चीप प्राइस। ये प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शानदार है, 53,000 रुपीज इस टीवी का, और इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं 55 और 65 दोनों साइजेस के, प्लीज उन्हें यूज करिएगा। जी हाँ, वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, और वही लिंक्स आपको VM1 रेकमेंडेड टीवी लिस्ट में भी मिलेंगे। उन्हें यूज करके आप इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो
ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो लाइक बटन के जस्ट नीचे है। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।